बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम सिक्स क्लास की फॉर्म ऑफ वर्ब्स मुकम्मल करेंगे। वेयर का मतलब है पहनना, गोर वोर्न। वीप का मतलब रोना, वेप्ट वेप्ट। वाइंड का मतलब हवा का चलना, वोंड वोंड। राइट का मतलब लिखना, रोट रिटन। अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। इसी के साथ ही हमारा पेज नंबर 4 तक हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कम्प्लीट हो गई। आगे हमने करने हैं कुछ उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। तो ट्रांसलेट जब करते हैं तो सादा जुमले के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर जो फॉर्म्स आती है उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है, वी के साथ आर आता है, दे के साथ आर आता है। मतलब फर्स्ट पर्सन अगर देखें आई और यू, आई और वी, तो आई के साथ एम और वी के साथ आर। सेकंड पर्सन देखें यू, तो उसके साथ आर आएगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट वगैरह के साथ इज आएगा, और दे वगैरह के साथ आर आएगा। कोई सिंगुलर पर्सन है तो इज आएगा, कोई प्लूरल पर्सन है तो आर आएगा। जैसे मैं एक मेज बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ टेबल, तो इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग जो है ये पहली फॉर्म की इंग फॉर्म है, मेक से मेकिंग निकला है। आ टेबल, आ जो है ये आर्टिकल है, टेबल जो है ये एक नाउन, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया। तो मैं एक मेज बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ टेबल। मैं खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। हम अपना काम, हम अपना सबक याद कर रहे हैं। अब हम आ गए तो इसकी जगह पे हम वही लगाएंगे, और वही के साथ आता है आर, ए आर आर, तो वही आर लर्निंग। अब वही आया तो आवर आ जाएगा, वही आर लर्निंग आवर लेसन। हम अपना सबक याद कर रहे हैं, हम खत लिख रहे हैं, वही आर राइटिंग लेटर। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं कराची जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कराची। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है आउटसाइड, बाहर, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा।